बच्चों, आज आप लोगों को पीबी शैली की पोयम लॉमेंट पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें पोयम जो है अपने अंतिम समय का वर्णन करता है कि अब मैं इस स्थिति पर आ गया हूँ, इस स्टेज पर आ गया हूँ कि जहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। जीवन के अंतिम स्टेज पर पहुँच चुका हूँ। तो उस पोयम को देखते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेम्प आई क्लाइम। कवि कह रहा है, ओ संसार, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिसके मैं अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं, अंतिम स्थिति पर पहुंच चुका हूं, और उस अंतिम स्थिति पर पहुंचने पर क्या दशा उसकी हो रही, देखिए, कह रहा है, ट्रेम्बलिंग एट, जहां पर मैं कांप रहा हूं, डैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले खड़ा था, आज मैं वहां पहुंचने पर मेरे पैर कांप रहे हैं। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, और मेरी युवावस्था की, मेरे जीवन की युवावस्था की जो ख्याति थी, जो प्रसिद्धि थी, वह कब वापस आएगी। यानी कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन की अब वृद्धावस्था में पहुंच चुका हूं, और इस स्थिति में पहुंच चुका हूं कि अब मेरे हाथ पांव जो है कांप रहे हैं, और अब ये सोचता हूं कि मेरी युवावस्था की जो ख्याति थी, जो प्रशंसा थी, वह कहां गई, वह कब वापस आएगी। नो मोर, अब कभी नहीं, ओ नेवर मोर, कभी नहीं, अब नहीं, और अब अधिक नहीं, और फिर अब कभी नहीं वो वापस आएगी। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, रात और दिन, अजॉय हैज टेकन फ्लाइट, मेरे जीवन के रातों दिन के जो आनंद था, जो खुशियां थी, वह समाप्त हो चुकी हैं, वह उड़ गई हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, स्वच्छ बसंत ऋतु, गर्मी और जाड़े की जो कड़कड़ाहट थी, जाड़े का जो कठोर जाड़ा थी, मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ, इसने मेरे मुरझाए हुए दिल को, मेरे मूर्छित हृदय को दुख से भर दिया है। यानी जाड़ा, गर्मी और मौसम से जो भी हैं, बसंत ऋतु, गर्मी और जाड़े के कारण इनके दुखों से मेरा दिल मुरझा चुका है। बट विथ डिलाइट, लेकिन आनंद के साथ, नो मोर, ओ नेवर मोर, अब आनंद और खुशियां जो इन ऋतुओं में मिलती थी, वह फिर कभी नहीं मिलने वाली हैं। तो इस पोएम को आप पढ़ लेंगे, जहां नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर इसकी हिंदी पढ़ा देंगे, बता दिया जाएगा आपको अगर दिक्कत होगी। धन्यवाद।